नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी जानते हैं कि मैं एक स्मार्टफोन यूजर हूँ। ऑब्वियसली बात है कि फोन रिव्यूज करता हूँ तो स्मार्टफोन ही यूज करने पड़ेंगे, पर नहीं, मैं अपने साथ हमेशा ही एक कीपैड वाला स्मार्टफोन भी रखता हूँ। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब फोन की बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है, ना चार्जर होता है ना पावर बैंक होता है। उस केस में मैं अपना सिम इस कीपैड वाले फोन में डाल देता हूँ और कॉल्स और SMS कर पाता हूँ। खैर मेरी छोड़िए, आपको बता दूं कि एक डेटा के अनुसार आज भी 40% लोग कीपैड वाला फोन खरीदना पसंद करते हैं, और अगर आप भी उनमें से एक हैं और एक सस्ते दाम का कीपैड वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं 5 ऐसे फोन जो कि 1000 रुपए के अंदर आ जाते हैं, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, साथ साथ पॉकेट में आसानी से भी फिट आ जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू किया जाए। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर उसे ऑल पे कर दें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। स्क्रीन पर आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स दिखाई दे रहे होंगे और मेरी पर्सनल IDs डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर 1000 रुपये में आप एक फ़ोन तलाश रहे हैं तो आप उस केस में लावा A1 को कंसिडर कर सकते हैं। जी हाँ, लावा की ओर से बहुत ही शानदार स्मार्टफोन है, बड़े प्यारे प्यारे कलर्स में कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े क्वर्की कलर्स जैसे ब्राइट कलर्स, रेड, ग्रीन, ऐसे कलर्स रखना चाहते हैं, तो वो लोग इस फोन को खरीद सकते हैं। लुक वाइज तो शानदार है ही, साथ साथ इसमें आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। आप इसमें 1000 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है, साथ साथ FM रेडियो भी दिया गया है, तो बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा फोन है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब अक्सर क्या होता है, जो ये कीपैड वाले फ़ोन आते हैं लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आते, लोग कहते हैं कि यार एक ही ऐसा डिज़ाइन है, कुछ नयापन नहीं है। पर अगर आप डिज़ाइन भी अच्छा चाहते हैं और कम बजट के अंदर एक फ़ोन चाहते हैं तो आप माइक्रोमैक्स का X512 ले सकते हैं। जी हाँ, लगभग 950 रुपये की कीमत में ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। 1750 mAh की बैटरी इसमें दी गई है, टॉर्च लाइट भी मिलती है, FM रेडियो भी है, साथ ही साथ इसमें आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो अपनी कीमत के हिसाब से काफ़ी शानदार है, लुक वाइज बेहद ही इंप्रेसिव है। आप इसे खरीद लीजिए और आप 1000 रुपये के फोन में भी टशन मार पाएंगे। अब अगला फोन जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो है इंटेक्स की ओर से। जी हाँ, इसका नाम है इंटेक्स सेल्फी 2। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कैसा फोन है ये, एक सेल्फी कैमरा वाला फोन है। जी हाँ, 1000 रुपये के अंदर भी आपको सेल्फी कैमरा वाला फोन मिल जाता है। और आपको बता दूं कि इसका अगर डिज़ाइन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि FM रेडियो को प्ले पॉज करने के लिए आपको डेडिकेटेड बटन्स कीपैड पर मिल जाते हैं, साथ साथ इसके कीपैड में आपको 22 इंडियन लैंग्वेज का सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा इसमें कॉल रिकॉर्डिंग, FM रेडियो और टॉर्च लाइट जैसे फीचर्स तो ऑलरेडी दिए ही गए हैं। अब अगर आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जो कि फीचर फ़ोन होकर भी स्मार्टफोन जैसा काम करे तो आप उस केस में कार्बन का KX26 खरीद सकते हैं। जी हाँ, इस फ़ोन में आप 3GP वीडियोस भी देख सकते हैं, इसमें आप MP3 भी सुन सकते हैं जो FM है उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, इसकी मेमोरी को आप 32GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं, तो इसमें लगभग आप सभी छोटे मोटे स्मार्टफोन जैसे काम कर पाएंगे, बिल्कुल आपके मतलब का फ़ोन है। 1000 रुपये का ये फ़ोन मिल जाएगा आपको मार्केट से और आप इसे हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हैं। 2.4 इंच का कलर डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाता है। अब अगर आप 1000 रुपये का फ़ोन खरीदते समय भी ब्रांड के लिए कॉन्शियस हैं तो उस केस में आप नोकिया 105 कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आप 2000 कॉन्टैक्ट सेव कर पाएंगे, 500 SMS की मेमोरी है, 1.8 इंच का स्क्रीन साइज मिल जाता है। आपको बता दूं कि बहुत ही प्यारे कलर्स में कंपनी ने इसे पेश किया है, तो अलग अलग कलर अपने हिसाब से आप पिक कर सकते हैं। कमी सिर्फ यह है कि कैमरा नहीं मिलेगा और टॉर्च लाइट नहीं मिलेगी, हाँ FM रेडियो इसमें ज़रूर दिया गया है। तो ये थे मेरे सिलेक्ट किए गए 5 फीचर फोन जो कि 1000 रुपये के अंदर आ जाते हैं। इन्हें आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं, बहुत महंगे नहीं हैं। इन्हें खरीद करके आप अपनी लाइफ कुछ इस तरीके से सेव कर सकते हैं कि जब आपका प्राइमरी स्मार्टफोन ड्रेन होने लगे उस केस में आप तुरंत से अपना सिम कार्ड इन्हें डाल सकते हैं। पर एनीवे, कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और आप इनमें से कौन सा फोन लेना चाहेंगे वो भी जरूर लिखिएगा। और हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।